अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले एसएसपी रेलवे रंजीत सिंह संबयाल ने अन्य पुलिस अधिकारियों कटरा रेलवे स्टेशन सुरक्षा की समीक्षा की। कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। लखनपुर से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। उसी को लेकर एसएसपी कठुआ श्रीधर पाटिल ने तैयारियों का लिया जायजा। उसकी पूरी जानकारी एसएसपी द्वारा दी गई। लखनपुर से सुदर्शन भार्गव की रिपोर्ट। इस साल की अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हम लोगों ने किए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस कठुआ के साथ साथ सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, सारी सुरक्षा एजेंसियां हमारे साथ जुड़ी हुई है। जहां तक इस साल की सुरक्षा के इंतजाम का ताल्लुक है, हमने एडिशनल फोर्सेस मंगवा ली है, स्पेशल टीम्स बनाई हुई है और स्पेशल टीम्स जगह जगह पे तैनात की हुई है। जगह जगह पे नाकाबंदी हुई है और उसके चलते यहाँ के जो लोकल स्थानिक लोग हैं उन लोगों को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम को मद्देनज़र मैं आप लोगों के ज़रिए से सभी कठुआ के वासियों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग पूरा सहयोग हमें दें ताकि इस साल की अमरनाथ यात्रा को पीसफुल तरीके से हम पार करने में सफल रहें। जिला विकास आयुक्त डीडीसी किस्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ने आज यहां ऐतिहासिक चौगान ग्राउंड किस्तवाड़ में जेकेसीए टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। किस्तवाड़ से हरदेव मनहास की रिपोर्ट। राज्य जम्मू कश्मीर के अन्य स्थानों की तरह चिनाब वैली के जिला डोडा के पंचायत अपर मंधार में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम गुरुवार को संपन्न हुआ, जिसमें इस प्रोग्राम के समय विजिटिंग ऑफिसर खालिद बशीर जरगर के साथ सरपंच अब्दुल गनी भट्ट, पंचायत के पंच, विभिन्न विभागों के अधिकारी, सोशल वेलफेयर फैज अहमद लोन और अन्य लोगों ने भी बैक टू विलेज प्रोग्राम में हिस्सा लिया। डोडा से हरदेव मनहास की रिपोर्ट। पहले आज हमने सबसे पहले हमने इनॉग्रेशन की हम इस पंचायत की सुबह, उसके बाद हमने पीआरआईज वगैरह की जो मीटिंग वे ले ली, उनसे इंटरेक्शन ले लिया। उसके बाद हमारे साथ सरपंच साहब हर एक वार्ड में घूमे, लोगों से मिले, लोगों से इंटरेक्शन हुआ और उनकी डिमांडें सुनी, उनके मसाइल हर एक पंचायत हर एक वार्ड में जाकर हमने उनके मसाइल सुने हैं। उनका नजाला हम कल सुबह ग्राम सभा में करेंगे और वहां से उनकी सब डिमांडें लेकर हम अपने हायर अथॉरिटीज़ को पेश करेंगे, जिसके बाद हायर अथॉरिटीज़ उनके लिए जो भी उनके साथ हो सकता है वो इसके फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो इनके होंगे उस पर देख कर सरपंच साहिबान के साथ मिलकर वो बात कर लेंगे। बिलावर उप जिला के गजरो नगरोटा में श्री हरि प्रभु आश्रय एक ऐसा नाम ऐसी संस्था जो बेसहारों का सहारा बनी हुई है। हम आपको बता दें, ये संस्था बेसहारा बूढ़े लोगों को, अनाथ बच्चों को और जरूरतमंद की जरूरत पूरी करती है। ये संस्था अपने स्थान पर मेडिकल कैंप का आयोजन, बच्चों को मुफ्त कंप्यूटर की शिक्षा और गरीब कन्याओं की शादी में आर्थिक सहायता और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम में आयोजित करती है जो समाज की जरूरत है। बिलावर उप जिला से कैमरामैन चेतन सुभाष चंद्र के साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा की रिपोर्ट। जिला रियासी पुलिस द्वारा सब जिला स्तरीय कार्यक्रम छूना है आसमान कार्यक्रम का समापन। जिला रियासी के अलग अलग जगहों से आकर संगीतकारों ने संगीत गाकर अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई। कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। मवेशी तस्करी पर बना रहा बवाल, चार घंटे सड़क मार्ग अवरुद्ध करने के साथ ही बाजार को भी रखा बंद, पुलिस प्रशासन के प्रति भी की नारेबाजी। कालाकोट से साहिल कॉल की रिपोर्ट। शरारती तत्व ने जानबूझकर के ये एक ऐसा काम किया है जिसमें हिंदू और मुसलमान के बीच में जंग हो, युद्ध हो, इलेक्शन जो है असेंबली के नजदीक आने वाले हैं। इन्होंने सोच समझ करके ऐसा किया है कि ये मरे हुए जानवर जो है वो जम्मू से लोड कर करके आगे ले जा रहे थे ताकि इन जानवरों की वजह से हिंदू और मुसलमान के बीच में फसाद हो, और इसमें जो इंतजामिया है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि इंतजामिया जम्मू से लेकर के यहाँ सियालसी तक कालाकोट के एरिया तक ये जानवर जो आए हैं जिसमें मरे हुए जानवर साथ थे और उसके अलावा और भी भैंसें थी,
अब मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो हादसा हुआ है इसके पीछे इंतजामिया का पूरा हाथ था, इसमें बड़े सियासी लोगों का हाथ रहा है और ऐसे अगर हालात रहे तो देश में जो है किसी किस्म के हालात पैदा हो सकते हैं। सांबा ब्लॉक की पंचायत दयानी में बैक टू विलेज प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें विजिटिंग ऑफिसर रेणु मुंशी सेक्रेटरी पीडीडी डिपार्टमेंट मुख्य अतिथि रहे। इस दो दिवसीय प्रोग्राम में विलेज प्रोग्राम के तहत पंचायत के लोगों ने अपनी अपनी समस्या बताई। इस मौके पर विजिटिंग ऑफिसर ने पूरी पंचायत का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर नाउ। आज मीडिया की टीम ने झाड़ी तालाब का दौरा किया। आपको बता दें कि वहां पर काफी दूर दूर से स्नान करने के लिए लोग आते हैं। वहां का पानी भी बहुत ठंडा है और पानी में स्नान करने से छोटी छोटी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और तालाब के पास मंदिर भी है, वहां पर काफी भक्त माथा टेकते हैं। जेके खबर नाउ के लिए अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। चौक में पुलिस द्वारा लगाए गए नाके में टू व्हीलर के किए गए चालान। इस मौके पर डीएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद वसीम ने नाका लगा के स्कूटर और मोटरसाइकिल के दस्तावेज चेक किए और सभी मोटरसाइकिल और स्कूटर सवारों को हेलमेट पहनने के लिए कहा गया। वहीं डीएसपी का कहना है कि हमारा मकसद किसी को परेशान करने का नहीं है, लेकिन जो आज के युवा है आए दिन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, इसलिए हमारी कोशिश है जितने भी लोग मोटरसाइकिल स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं सभी हेलमेट पहन के चले। रियासी से रोमेश कुमार राहुल की रिपोर्ट। कठुआ बेशक राज्य सरकार के दिशा निर्देश में स्वरूप बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत अधिकारी लोगों की समस्याएं जानने गांव तथा पंचायतों में पहुंच रहे हैं। वहां विभिन्न समस्याओं से त्रस्त लोग कार्यालयों में समस्याओं के समाधान के लिए गुहार लगा रहे हैं। शुक्रवार को कांग्रेस नेता बीएल कांडे नेतृत्व में हीरानगर सब डिविजन के विभिन्न गाँव के दर्जनों लोगों का एक शिष्टमंडल एसडीएम सुरेश कुमार शर्मा से मिला और उन्हें क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। दीपक शर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नूराबाद ने आज निधि मार्ग में एक मीटिंग का आयोजन किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की।